हेलो एंड वेलकम टू जीपैट डिस्कशन। और आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं दैट इज़ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, और इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या होता है? तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज लंग फंक्शन टेस्ट। और ये जो है हम एसेस करने के लिए यूज़ करते हैं कि भाई लंग्स कितना काम कर रहा है, फंक्शनल स्टेटस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों कंडीशन में, पहला फिजियोलॉजिकल कंडीशन में और पैथोलॉजिकल में। इसका इंपॉर्टेंस तो आप अभी इस कंडीशन में देख ही सकते हैं। मेनली कोरोना के समय में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट को ही सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि भाई कोरोना के बाद में जिनके लंग्स इन्फेक्ट हुए या अफेक्ट हुए हैं उनके अंदर में पैथोलॉजिकल कंडीशन में लंग कितना गैस ले रहा है, छोड़ रहा है, वॉल्यूम कितनी है, इसको हम जो है इसके थ्रू असेस कर सकते हैं। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन, ठीक। ये जो है हम कैसे मेजर करते हैं? तो इट इज़ मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीद इन एंड आउट इन क्वाइट ब्रीदिंग एंड फोर्स ब्रीदिंग। कहने का मतलब है भाई नॉर्मल सांस लेते समय कितनी सांस अंदर आ रही है, कितनी बाहर जा रही है, तेजी से सांस लेते समय कितनी सांस ले पा रहे हैं, कितनी छोड़ रहे हैं, ये जो है ये क्या कहलाता है? ये ही कहलाता है आपका लंग फंक्शन टेस्ट कहलाता है, ठीक है। और इसको जो है टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ये स्पायरोमीटर यूज़ करते हैं। स्पायरोमीटर में जो है आप क्या करते हो भाई, ये एक पार्ट लिया और इस पार्ट को क्या किया आपने, हाँ, फूका, तेजी से फूका, तो ये कितना लेवल वॉल्यूम तब गया, उसको मेजर किया, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर डायरेक्ट डिजिटल से भी देख सकते हैं कि भाई ये जो है सांस लेने और छोड़ते समय जो है हम यहाँ पर करके देखते हैं इसको फ्लो करके, तो हमें पता चलता है कि हम जो है यहाँ पर हमारी लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, वाइटल कैपेसिटी कितनी है, टोटल लंग वॉल्यूम कितना है, इन सबको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहला जो है लंग फंक्शन टेस्ट में अलग अलग प्रकार के करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट आता है, ठीक। ये जो है दैट इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ एयर दैट फ्लोज इन एंड आउट ऑफ लंग्स। स्टैटिक मतलब नॉर्मल कंडीशन में कितनी हवा अंदर आ रही है, कितनी बाहर जा रही है, ठीक। ये जो है दीज टेस्ट डू नॉट डिपेंड अपॉन रेट एट विच एयर, यानी एक मिनट में 30 बार 40 बार कर रहे हो उससे मतलब नहीं, टोटल कितना हवा अंदर आ रहा है, कितना जा रहा है, बस यही है। एक डब्बे के अंदर कितना भर सकते हो, कितना निकाल सकते हो मैक्सिमम, यही जो है ये क्या कहलाता है, ये आपका लंग कैपेसिटी या फिर बोलिए आपका फंक्शनिंग जो है कहलाता है, ठीक। हाँ, यहाँ पर जो हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक लंग फंक्शन के समय हम इट इंक्लूड स्टैटिक लंग वॉल्यूम एंड स्टैटिक लंग कैपेसिटी। स्टैटिक मतलब नॉर्मल कंडीशन में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी जब नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरा होता है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब अभी देखिए, स्टैटिक मतलब बैठे बैठे में आप कर रहे हैं, डायनेमिक मतलब दौड़ते हुए चलते समय जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन टाइम दैट इज रेट एट विच एयर इज फ्लोइंग इन एंड आउट। तो स्टैटिक ये कितनी दर से आप किस रेट से एयर को ले रहे हो छोड़ो उस पर डिपेंड करता है, जबकि डायनेमिक इट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ एयर इन एंड आउट, किस से कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर डायनेमिक फंक्शनिंग टेस्ट को करते हैं, ठीक। तो इनके अंदर में जो है आप स्टैटिक लंग वॉल्यूम और स्टैटिक लंग कैपेसिटी यूज करते हैं, यहाँ पर वाइटल कैपेसिटी, फोर्स, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, मैक्सिमम वेंटिलेशन वॉल्यूम, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो, ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। डायनेमिक लंग फंक्शन टेस्ट आर यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग सीवियरिटी ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनेमिक टेस्ट करोगे स्टैटिक, तो भाई डायनेमिक यानी फंक्शनिंग के समय में किस रेट से काम हो रहा है उसको देखना है, तो आप क्या करेंगे इन डिजीजेस में आप डायनेमिक फंक्शन को ही चेक करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लंग वॉल्यूम की। तो स्टैटिक में जो है वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ अंदर जो ले रहे हैं ये क्या कहलाता है, स्टैटिक लंग वॉल्यूम है ना, यानी कि अंदर और बाहर एक इंडिविजुअल नॉर्मली कितना सांस ले रहा है छोड़ रहा है वो कहलाता है, ठीक। अब ईच ऑफ दीज वॉल्यूम रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग अंडर अ स्पेसिफाइड कंडीशन दैट इज स्पेसिफिक पोजिशन ऑफ लंग, यानी कि ये सांस बस रोक दिया, इस कंडीशन में कितनी है, इस कंडीशन में कितनी है, इस कंडीशन में, तो ये स्टैटिक पोजीशन थोरैक्स का इस पोजीशन यानी कि इस समय कैसा है, इतना किया तो क्या है, ये किया तो, स्टैटिक पोजीशन जो है आप बताता है, ठीक। जिसमें सबसे पहला चीज आता है टाइडल वॉल्यूम।
टीवी बोलते हैं, इसको टीवी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। टाइडल वॉल्यूम जो है ये क्या बता रहा है, कितनी हवा नॉर्मली आप यानी बिना किसी प्रेशर के आराम से, अभी आप मेरी बात सुन रहे हो, अभी मैंने आपको बोला तो आपका ध्यान जा रहा है, अदरवाइज अभी तक आपका ध्यान नहीं था, आप सांस ले भी रहे थे और छोड़ भी रहे थे, ठीक है। तो ये जो है नॉर्मली बिना किसी प्रेशर के कितना सांस अंदर लेते हैं और कितनी सांस बाहर छोड़ते हैं, ये जो है आपका क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। नॉर्मल रेस्पिरेशन के समय में, क्वाइट रेस्पिरेशन के समय में, बिना किसी प्रेशर के, ठीक है। हाँ, नॉर्मली जो है हम कितना होता है, तो ये होता है आपका 500 मिलीलीटर। टाइडल वॉल्यूम की जो है वैल्यू कितनी है, आधा लीटर या 500 मिलीलीटर, यानी नॉर्मली आप सांस ले रहे हैं कितना हुआ, तो 500 मिलीलीटर अंदर गया, 500 ही मिलीलीटर बाहर आता है, ये क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। नेक्स्ट है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV, मतलब यहां पर क्या है, तो इट इज एन एडिशन वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल ब्रीदिंग, यानी नॉर्मल सांस लिया, फिर उसके बाद में बोलूंगा और लेते जाओ सांस, नॉर्मल के बाद भी मैं और सांस ले सकता हूं तेजी से, तो नॉर्मल के बाद में इतना और जगह है मेरे पास सांस भरने की, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व, एक्स्ट्रा की वॉल्यूम जो है मैं जिसको ले सकता हूं, रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। ये कितना हो सकता है, तो हम 3300 मिलीलीटर और एयर को ले सकते हैं, 500 तो ले ही रहे हैं, 500 के अलावा 3300 हमने और क्या कर लिया, ले लिया। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी नॉर्मल सांस छोड़ा, इसके बाद और छोड़ो और निकाला, ताकत एब्डोमिनल मसल को दबा के आपने क्या किया, और निकाला, ठीक है। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी ये जो है ये क्या थी, ये हवा बची हुई थी और आप इस हवा को निकालोगे तो भी क्या होगा, आपको कुछ होगा नहीं। इसकी वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो ये कितना होता है, हाँ 1000 ml या 1100 मिलीलीटर जो है आपका अप्रोक्सीमेटली एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। सर थोड़ा सा डाउट हुआ, मैं जब सांस लिया तो लेते समय मैं 3 लीटर तक ले लिया, निकालते समय मात्र 1 ही लीटर मुझे निकालना पड़ा, ठीक है। तो भाई सर मैं तो सांस लेते समय ज़्यादा लेता हूँ, छोड़ते समय कम छोड़ता हूँ। हाँ भाई आप पूरी की पूरी सांस नहीं निकाल सकते, क्यों, तो भाई एल्वियोलाई है, हवा है, बलून है, पूरा हवा निकाल दोगे तो फट क्या हो गया, फुग्गा फूट जाएगा भाई, हाँ एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाएंगी, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अंदर लंग्स कोलैप्स हो जाएगा, अंदर वैक्यूम बन जाएगा। तो इसीलिए कुछ अमाउंट ऑफ एयर मैक्सिमम निकालने के बाद भी कुछ अमाउंट बचा रह जाता है, और ये जो अमाउंट बचा हुआ है पूरा निकालने के बाद भी, इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक। तो भाई देखो हम मैक्सिमम कितना ले रहे हैं, 3300 ले रहे हैं, उसमें से 1100 मैं तेजी से निकाला तो बचा कितना, 1200 मिलीलीटर, ठीक है। तो ये जो है क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम 1.2 ml जो है ये आपका जो क्या है, लंग्स में हमेशा पड़ा रहता है, क्या है ये, लंग्स में हमेशा पड़ा हुआ है, यानी आपके नेजल से लेके एल्वियोलाई तक के बीच में इतनी एयर तो हमेशा रहती है, आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं कभी भी, ठीक है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी कुछ एयर जो है क्या हो रही है, आपकी यहाँ पर छूट जा रही है, ठीक है। हाँ तो ये जो है इसका काम क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम क्यों सिग्निफिकेंट है, तो पहला जो है ये क्या कर रहा है, एरिएट द ब्लड, यानी कि भाई आपका सांस आपने पूरा निकाल भी दिया तो भी एयर तो बची हुई है जो क्या कर रहा है, ब्लड में एक्सचेंज करने का काम। दूसरा लंग्स के आकार को बनाए रखना है, कोलैप्स होने से बचाना है, तो ये क्या करता है, ये जो है कंटूर को मेंटेन करने के लिए रेसिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए अब जो है टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर नॉर्मल ब्रीदिंग के समय में, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नॉर्मल सांस लेने के अलावा और कितना ले सकते हैं, एक्सपायरेटरी नॉर्मल छोड़ने के बाद कितना छोड़ सकते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 मिलीलीटर, ठीक। अभी हमने एक चीज़ और बताई थी यहाँ से आपको हट के बता रहे हैं, एक होता है डेड स्पेस वॉल्यूम। डेड स्पेस मतलब क्या होता है, तो भाई देखिए सांस ली थी या हवा ली थी गैशियस एक्सचेंज के लिए ली थी, ठीक। अब आपका नाक से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक गैसियस एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है,
ब्रोंकियल ट्री में एक्सचेंज है ही नहीं, तो वहां से यहां तक हवा तो है लेकिन एक्सचेंज नहीं हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेड स्पेस वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेड स्पेस वॉल्यूम कहलाता है। बाकी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर में जो गैस है वही क्या कर रही है, आपकी एक्सचेंज में मदद कर रही है। अब बात करते हैं लंग कैपेसिटी की, तो यहाँ पर स्टैटिक कंडीशन में यानी कि सांस लेके रोक दिया तो कितना लंग रख सकता है, कितना निकाल सकता है, कितना फूल सकता है, ये जो है क्या कहलाता है, ये आपके जो डिफरेंट वॉल्यूम्स हमने देखा ना, कौन कौन सा वॉल्यूम देखा, तो भाई यहाँ पर आपने देखा, देखो कौन कौन सा है, हाँ नाम याद रखना है ना, तो टाई याद रखो, क्या जी, टाई गले में पहनते हैं ना, हाँ टी आई ई, टाई जो है आपका, हाँ और टाई के साथ में आर लगा दिया तो टायर। वॉल्यूम कितने हैं, तो टायर जो है ये क्या है, चार वॉल्यूम है, टी आई ई आर टायर, यही क्या है, वॉल्यूम है। टायर जो है यानी कि आप गैस का टायर होता है ना, उसमें भी वॉल्यूम बढ़ता है, हवा भरता है, तो ये टायर जो है ये भी क्या बता रहा है, हमारा वॉल्यूम को बता रहा है। अब इन टायर को जोड़ जाड़ के जो है हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कैपेसिटी को बता सकते हैं। पहली कैपेसिटी की बात करते हैं, इंस्पायरेशन यानी मैक्सिमम तुम कितना सांस ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने क्या लिया, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, फिर उसके बाद में मैंने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उसको भी ले लिया। तो मैंने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी आपका रिजर्व वॉल्यूम पूरा लूंगा तो मेरा ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमम मैं इतनी लंग्स में हवा भर सकता हूँ। ठीक है, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या हो गई, टाइडल वॉल्यूम प्लस आपका क्या हो जाएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दूसरा भाई आपका यहाँ पर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी भी होनी चाहिए, तो भाई ये क्या किया, तो भाई नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम प्लस मैक्सिमम और कितनी सांस छोड़ सकता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका जो है दो चीजें आती है, एक आता है वाइटल कैपेसिटी और फिर उसके बाद आता है आपका यहाँ पर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और तीसरा जो है आपका यहाँ पर आता है टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक, हाँ तो देखो टोटल के अंदर की मैं बात करूंगा तो ये तो आपको ट्रिक से ही बता देते हैं, इसमें क्या करो टायर को जोड़ दो, टी आई ई आर सबको जोड़ दो, तो ये क्या है टोटल लंग कैपेसिटी यानी एक लंग में मैक्सिमम कितनी हवा भर सकते हैं, ये क्या है, ये पूरा का पूरा टी आई ई आर कहलाता है। वाइटल कैपेसिटी क्या है, तो ये टी आई ई है, आर को मत रखो इसमें, टाई को रखो, तो लंग की कैपेसिटी क्या है, टाइडल वॉल्यूम को लेना, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी कि नॉर्मल सांस छोड़ा मैंने उसके बाद मैक्सिमम कितना ले रहा हूं। ठीक, नॉर्मल सांस यानी टाइडल वॉल्यूम छोड़ने के बाद अभी लंग्स ले रहा था, मैक्सिमम कितना लिया, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम लिया, फिर उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैंने 3800 ml ले लिया। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी जो है क्या है, तो मैंने बताया टाई याद रखो, टाई जो है टी आई ई वाइटल कैपेसिटी होती है, यानी ये क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड फोर्सफुली आफ्टर डीप इंस्पिरेशन, यानी तेजी से सांस लो, अब मैक्सिमम कितना छोड़ सकते हो। तो भाई देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले छोड़ा तो जितनी लिया हूं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को रखा हूं उसको छोड़ूंगा पहले, फिर टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल जो छोड़ता हूं, फिर उसके बाद में और प्रेशर लगा के जो बचा हुआ आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसको भी निकाल लूंगा। समझ रहे हो, क्या करूंगा, पहले जो एक्स्ट्रा भरा उसको निकाला, फिर टाइडल को निकाला, फिर और ताकत लगा के एक्सपायरेशन करने वाला जो वॉल्यूम है उसको भी निकाल सकता हूं, ये क्या कहलाता है, ये मेरे लंग की वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। तो वीसी जो है क्या है, टाई पहनता है, वाइस चांसलर क्या पहनता है, टाई पहनता है, और टोटल जो है ये टायर है, कैसा है, टायर है। दो चीजें याद रखोगे तो कंफ्यूजन तो नहीं होगा, फिर भी हम जो है इसको कंसेप्ट को समझते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो देखिए हमने क्या बोला, हमने बोला भाई
कि फंक्शनल जो है ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी आपने सांस छोड़ा, छोड़ने के बाद यानी टाइडल वॉल्यूम को निकाला, निकालने के बाद भी लंग्स में हवा भरी हुई है, तो आपने कितनी भरी है, तो आपने तेजी से छोड़ा, तेजी से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकल गया, निकलने के बाद भी क्या है, लंग्स के अंदर में खाली नहीं हुआ, पचका नहीं है, अभी भी जगह भरी हुई है, कौन सी भरी हुई है, तो ये जो है आपकी रिजर्व वॉल्यूम यानी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है आपकी क्या है, ये बची हुई है, ठीक। तो ये जो है क्या हो जाएगा आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस आरवी जो है ये क्या हो जाता है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम जो है, सॉरी ये रेसिडुअल वॉल्यूम 1200, ठीक। तो 1100 प्लस 1200 2300 या 2200 अप्रोक्सीमेटली मानते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, प्लस माइनस 100 चल सकता है ये आपका, ठीक। लंग कैपेसिटी, तो नॉर्मल सांस लेने के बाद मैक्सिमम कितना छोड़ोगे, सब टोटल जो है ये लंग की कैपेसिटी मैक्सिमम यानी एयर प्रेजेंट इन लंग आफ्टर डीप इंस्पिरेशन, तेजी से जब सांस लेते हो तो लंग्स में कितनी हवा भरी हो सकती है, तो टाइडल वॉल्यूम भरा हुआ है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम के बाद में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भर लिया आपने एक्स्ट्रा, फिर नॉर्मली एक्सपायरेटरी और रेसिडुअल वॉल्यूम तो पहले से पड़ा हुआ था, ये तो पहले से था, इसमें आपने पहले थोड़ी सी सांस ली और फिर तेजी से सांस ली तो और बढ़ गया, तो टोटल कितना है, तो ये 6000 मिलीलीटर, यही वैल्यूज जो है आपको पूछा जाता है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ पर जो है आप इसको देख के याद कर सकते हैं, ठीक है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, तो भाई सांस नॉर्मली छोड़ने के बाद कितनी जो है आप यहां पर ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो है क्या है, तो ये टाइडल वॉल्यूम लोगे पहले, फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इतनी सांस ले सकते हो, ठीक। वाइटल कैपेसिटी टाई है टाइडल वॉल्यूम, यानी कि आपने क्या किया भाई, नॉर्मली आपने सांस छोड़ा तेजी से, तो उसके बाद जो है आप कितनी सांस ले सकते हो, तो पहले आपने भाई क्या किया, एक्सपायरेटरी जितना छोड़ा था उतना लिया, फिर टाइडल वॉल्यूम लिया, फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को लिया, ठीक है। फिर तीसरा आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, तो भाई ये फंक्शनल रेसिडुअल यानी सांस छोड़ने के बाद जो बची हुई है वो कितनी है आपकी, रेसिडुअल वॉल्यूम जो बचा हुआ है ना, हाँ, तो इसमें से द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद में जो बचा हुआ है ये कितना है, तो एक्सपायरेटरी जो है हम उसको छोड़ते हैं और रेसिडुअल जो बचा हुआ, ये दोनों मिला के जो है हमारा टोटल लंग्स में इतना जो है ये फंक्शनल होता है, फंक्शनल रेसिडुअल है, इतना काम कर रहा है, ठीक है। और टोटल लंग कैपेसिटी जो है ये सारी चीज को मिला लो, ठीक है, यानी वाइटल कैपेसिटी यानी TIER भी मिला लो, तो ये 6000 आपका होता है टोटल लंग्स जो है कितना काम कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है हम यहाँ पर लंग वॉल्यूम या कैपेसिटी को इसको ग्राफ से समझ सकते हैं, ठीक है, चार वॉल्यूम और आपके चार कैपेसिटी को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हम ग्राफ को देखते हैं, तो ये क्या है, नॉर्मल सांस को लेना छोड़ना जो है ये क्या है, ये 500 मिलीलीटर, तेजी से सांस को लिया एकदम भर लिया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तेजी से सांस को छोड़ा यानी कि नॉर्मल छोड़ने के बाद मैक्सिमम कितना छोड़ सकता हूं, मैं मैक्सिमम इतना ही छोड़ सकता हूं, ठीक, हाँ, इतना छोड़ने के बाद में मैंने सांस को यहां पर लिया, तो ये क्या हो गया मेरा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये जो है मैक्सिमम सांस लेने वाला इंस्पिरेटरी, नॉर्मली 500 लेना और छोड़ना है, ठीक है, ये जो है आपका वॉल्यूम है, प्लस इसके बाद में ये जो है क्या है, तो मैंने मैक्सिमम छोड़ने के बाद भी इतना वॉल्यूम तो मेरे लंग्स में क्या है बचा हुआ है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। अब इन्हीं को जोड़ तोड़ करके जो है हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटी बता सकते हैं, इंस्पिरेशन की कैपेसिटी, तो भाई मैं नॉर्मल सांस लेने के बाद मैक्सिमम इतना ले सकता हूं, ये क्या हुआ इंस्पिरेशन कैपेसिटी, ठीक, नॉर्मल छोड़ने के बाद इतना और छोड़ सकता हूं, ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो नहीं दिया आप लिख सकते हैं, ईसी जो है आप किसको बता सकते हैं, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी जो है क्या है, तो भाई मैं तेजी से सांस छोड़ने के बाद कितनी लूंगा, तो तेजी से सांस छोड़ने के बाद मैं यहां पहुंच गया था, इस लेवल पे पहुंचा हूं, ठीक। अब मैं यहां से सांस लेना चालू करूंगा, तो पहले मैं ये सांस लूंगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का, फिर जो है मैं कौन सी सांस लिया, वाइटल कैपेसिटी सॉरी आपका टाइडल वॉल्यूम लूंगा, उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इतना ले सकता हूं, यानी मैं वाइटल कैपेसिटी की,
टोटल लंग कैपेसिटी, हाँ तो भाई तेजी से सांस छोड़ने के बाद मैक्सिमम कितनी सांस भर सकता हूं, तो भाई देखो लंग्स के अंदर में इतनी तो सांस में ले ही रहा हूं, इसके अलावा बची हुई जो है लंग्स में क्या होती है ये सांस भी होती है, तो ये टोटल लंग कैपेसिटी को बताती है। ठीक, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, तो भाई सांस छोड़ने के बाद मैक्सिमम सांस आपका यहाँ पर क्या हुआ है, छोड़ दिया है। ठीक है, तो नॉर्मली आपका यहाँ पर मैक्सिमम सांस नहीं छोड़ा है, मतलब कि आपका कहने का मतलब है नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद कितना जो है मेरे पास लंग्स में हवा बची हुई है, ये क्या कहलाता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है।